मुन्ना तू इधर ही रुक, मैं अभी जरा बात करके आता हूँ। हाँ भाई टोपी, क्या हाल है? मैं और मेरा भाई होगी बहुत देर से परेशान फिर रहे हैं। हम लोग को समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग को यहाँ पे क्या कर रहा है, प्लीज तुम हमें बता दो। हे भिल्ले, ड्राइव टू कार्स इनटू द सी। हां जी। ओए योगी तू ही समझ, ये तो इंग्लिश बोल रहा है। मैं जरा ये देख के आता हूँ सामने दुकान कैसी है। हेलो अंकल जी, क्या बेच रहे हो तुम? ओए गन रखी है यहाँ पर तो। अंकल जी गन बेच रहे हो तुम? हाँ श्रीमान, गन ही नहीं बहुत कुछ है, तुम बोलो तुमको क्या मांगता है। मैं अभी तुम्हें अपना डंडा दिखाता हूँ, देखो ऐसा ही है जैसा तुम्हारे पास है। अब मैं चलता हूँ क्योंकि गन खरीदने के मेरे पास पैसे नहीं है, बाद में आऊंगा अंकल जी। ओए योगी समझ आ गया तुझे क्या बोला टोपी भाई ने? भैया समझ आ गया है, कार में बैठो बताता हूँ। ओए ये ले बैठ गया मेरे भाई, अब बता मुझे क्या बोल रहा था वो अंग्रेज की औलाद। हे भैया यार पता नहीं, वो बोल रहा था कि तुम्हें समुंदर के अंदर कार चलानी होगी। हैं? दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हम लोग समुंदर के अंदर कैसे चला सकते हैं कार मुन्ना, तूने बोला नहीं क्या उसको? हे भैया वो देखो सामने ज़ॉम्बी उस आदमी के पीछे लग रहा है। और रुक तेरी तो, ये ले। अरे भैया आपने ज़ॉम्बी के चक्कर में दो बेगुनाहों को भी मार डाला। ओए मर गए तो मर गए, तू आ जा इनकी गोलियां और पैसे लूटते हैं। एक तो भैया मुझे समझ नहीं आता यार, ये आम लोगों के पास गोलियां कैसे मिल जाती हैं? ओए वही तो मेरे भाई, तू खामा खामे इतना भोला बनता है, कोई बेगुनाह नहीं है आज के टाइम पे। चल बस आज अपना मिशन पूरा करते हैं। और मैं तो भूल भी गया उस अंग्रेज की औलाद ने बताया क्या था मुन्ना, जरा दोबारा तो बताना। भैया उसने बोला था ड्राइव टू कार्स इनटू द सी, मतलब समुंदर के अंदर दो कारें चलानी है। भैया क्या बकवास सी बात है, समुंदर के अंदर दो कारें चलानी है। अब चलो देखते हैं, उसने मिशन दिया है कुछ तो करना ही पड़ेगा ना मुन्ना। मुन्ना एक काम करते हैं, तू देख यहाँ पे कोई ऐसी कार है क्या जिसके पहिए ऐसे फ्लैट हो जो समुंदर के ऊपर चल सके। जैसे वो GTA में होती है भैया, वही वाली क्या? हाँ मेरे भाई होगी, बिल्कुल सही समझा तू, वैसी वाली। देख है क्या कोई ऐसी कार? नहीं यार भैया, ये सारी कारें तो नॉर्मल है। और भैया अगर वैसी कार होगी भी तो हमें रोड पे थोड़ी ना मिलेगी यार वो कार, वो तो भैया हमें समुंदर के अंदर चलती हुई मिलेगी ना। और लेकिन मेरे भाई होगी, हम सैकड़ों बार तो देख चुके हैं समुंदर पे जाके, वहाँ पे कोई कार चलती हुई मिली है क्या? अरे यार भैया आप बातों में लग के कार पे से कंट्रोल मत खोइए। देखिए आपने फिर से ठोक दी कार। ओए हाँ समझ गया, ये ले निकाल दिया मैंने उसको। चल आगे चलते हैं, देखते हैं कोई ऐसी कार मिले तो मुन्ना। और मुन्ना वो जो अभी कार गई, ओए रुक एक मिनट, अभी उस कार को चेक करते हैं मुन्ना, उसके पहिए कैसे थे? अरे भैया मैंने देख लिया, वो नॉर्मल कार थी यार। ओए योगी मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, इधर से उधर कूदता फिरूं। चल फिर एक काम करते हैं, अपना कार ही वापस ले लेते हैं। चलो अपनी विरासत में मिली कार को ही उठाते हैं भैया। लेकिन एक मिनट भैया, ये ज़ॉम्बी यहाँ पे क्या कर रहा है? तेरी तो, निकल यहाँ से। ओए मुन्ना देख रहा है ज़ॉम्बी ने हेलमेट पहन के रखा है अपनी प्रोटेक्शन के लिए। भैया ये ज़ॉम्बी नहीं था, ये बेचारा साइकिल चलाने वाला राइडर था, बाद में इसको ज़ॉम्बी ने खा लिया भैया, तब ये ज़ॉम्बी बन गया। लेकिन भैया तुम फिक्र मत करो, मैं इसको मार मार के इसकी सारी ज़ॉम्बी गिरी निकाल दूंगा और इसको भैया पहुंचा दूंगा दूसरे लोक में। अरे तेरी मुन्ना, तूने देखा उसने हमारे मारा तो हमारी भी हेल्थ गई। कोई बात नहीं भैया, हमारी हेल्थ तो वापस आ जाएगी, लेकिन इसकी न्याय नहीं दूंगा। ए देखो भैया बेचारा अपनी आखिरी शॉट के लिए खड़ा हो रहा है और ये खत्म हो गया। भैया देखिए भैया हमें पैसे और गोलियां दोबारा से मिल गई और ये सब चीजें तो मिल गई, लेकिन मुन्ना मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अब मैं जाके इस कार को सीधे समुंदर में कुदाने वाला हूँ, बाद में जो होगा देखा जाएगा। अरे ऐसे तो मर जाएंगे ना भैया, तू बता तेरे पास कोई बेटर ऑप्शन है क्या? फालतू की बकवास मत कर, ये ले। ए यार भैया देखा, यू डाइड। ओए कोई बात नहीं, ये देख हम वापिस से उस टोपी वाले अंग्रेज के पास ही स्पॉन हुए हैं। चल मुन्ना उसने दो कार बोला था ना, एक कार और ढूंढते हैं और उसको भी समुंदर में ऐसे ही घेरते हैं जाके। यार भैया वो हमारी पर्सनल कार थी नीली वाली, वो हमेशा यहीं पर खड़ी रहती थी भैया, अब आपने उसको वहाँ पे कुदा दिया, अब उसको कहाँ से ढूंढेंगे हम भैया? ओए तो फिक्र मत कर मेरे भाई होगी, हम दूसरी कार खरीद लेंगे। ओए हाँ मैं तुझे बताना तो भूल ही गया होगी, मैं जिस दुकान में गया था ना वहाँ पे गन्स भी बिकती हैं और कारें भी। ए भैया ये कार पकड़िए। ओए रुक जा, कार वाले कहाँ पे जा रहा है यार, रुक जा रुक जा रुक जा। ये देखो भैया रुक गई कार, हम कार में आ चुके हैं भैया। चल फिर इसको भी जाके समुंदर में कुदाते हैं। क्या नहीं नहीं बिल्कुल नहीं भैया, आपने एक कार पहले गवा दी है, दूसरी और नहीं गवाने दूंगा भैया। रुक जाइए, मिशन ऐसे ही पूरा होगा, तुझे नहीं पता है? पता है भैया, कुदा रहा हूँ समुंदर में। नहीं भैया नहीं होगा, रुक जाइए। ये भैया आपने फिर से मरवा दिया, दूसरी कार भी गई। ओए कुछ नहीं हुआ मेरे भाई, रुक अभी चेक करता हूँ, देखते हैं मिशन है क्या अभी भी। कहाँ से चेक होगा, यहाँ से। देखा मुन्ना हमने मिशन पूरे कर दिए। सच में क्या भैया? हाँ हाँ मेरे भाई। भैया मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं तो जाकर उस अंग्रेज से पूछता हूँ फिर यकीन होगा। ए अंग्रेज भाई बताओ मिशन पूरा हो गया क्या? ओह यस भिल्ले, योर नेक्स्ट मिशन इज किल 3 ज़ॉम्बीज विद द कार। हे हमने तो सच में मिशन पूरा कर दिया भैया, आप बिल्कुल सही थे। ओए हाँ मेरे भाई मैं बिल्कुल सही था, लेकिन एक बात तो बता होगी, उसने क्या बोला नेक्स्ट मिशन क्या है? अरे हाँ भैया मैं बताता हूँ, भैया उसने बोला कि तुम्हें 3 ज़ॉम्बीज को कार से उड़ाना है। ओए कार से उड़ाना है, फिर से कार, अब फिर से कार ढूंढनी पड़ेगी।
होगी। भैया ये देखिए ज़ॉम्बी उस औरत के पीछे लग रहा है। ए रुक जा, ए तेरी तो। भैया देखिए इसने उसको भी ज़ॉम्बी बना दिया यार। ओ योगी मुझे लगता है इस बार उस टोपी वाले अंग्रेज ने बिल्कुल सही मिशन दिया है इन ज़ॉम्बीज़ को कार से उड़ाने का। चल मुन्ना तू कार ढूंढ, इन ज़ॉम्बीज़ की बैंड बजाते हैं। भैया बिल्कुल सही बोल रहे हो, नहीं तो ये सारे ज़ॉम्बीज़ मिलकर सारे लोगों को ज़ॉम्बी बना देंगे। भैया ये देखिए टैक्सी के लिए वेट कर रही है। ओए ज़ॉम्बी आ रहा है, आ जा तू। ओ इससे पंगा मत ले मुन्ना, अपने पास डंडा भी नहीं है, मार डालेगा हम लोग को, भाग यहाँ से। भैया लेकिन बदला तो मैं लेके रहूंगा, वो देखिए कार आ रही है, कार इनके ऊपर चढ़ाऊंगा। हाँ ये बिल्कुल सही है, ये कर सकते हैं, बैठ जा कार में। कहाँ गया ज़ॉम्बी? आ जा बेटे ज़ॉम्बी। ओए ओए ये क्या हो रहा था, अभी कार पलट जाती मुन्ना। भैया वो बीच में आदमी आ गया था ना। भैया देखिए हम इन आदमियों को बचा रहे हैं ज़ॉम्बी से, और ये है कि हमारा ही रास्ता रोक रहे हैं, बेकार आदमी है ना। भैया ये देखिए ये रहे ज़ॉम्बी, इनको तो यहीं पे घुसा दूंगा थारी। भैया बच गए थोड़े से, रुक जाओ अब के नहीं छोड़ूंगा, अब की बार तो भैया दोनों के दोनों एक चोट में खत्म हो जाने चाहिए। आ जा तू, ये गया। ए देखिए भैया खत्म हो गया। भैया चलो उसका पानी लूटते हैं। ओए हाँ लूटते हैं। ओए एक मिनट, क्या बोला तूने, पानी लूटते हैं? ओ मुन्ना पानी कहाँ लेके घूम रहे हैं, वो तो गोलियां और पैसे निकलेंगे उन पैसे तो। भैया मेरा मतलब वही था, माल पानी लूटते हैं। लेकिन भैया आपने देखा इससे पहले कि हम लूट पाते यार, वो सारा का सारा डिस्पोन हो गया, सब गायब हो गया यार, सारा इस ज़ॉम्बी की वजह से हुआ। भैया अब की बार नहीं छोड़ूंगा इन्हें। और नहीं मुन्ना इस बार थोड़ी सी गलती हमारी भी है, हमें जैसे ही उसको मारा था ना वैसे ही एकदम से भागना चाहिए था, लेकिन हमने देर कर दी मुन्ना। भैया कुछ भी हो, चलो हमने एक ज़ॉम्बी को तो मार ही दिया ना भैया कार से, अब दूसरे को देखते हैं कहां पर है। ओए वो देख वो रहा सामने रोड के बीचों बीच, उड़ा दे इसको। ए भैया बच गया यार। ओए मुन्ना बहुत कच्चा है तू गाड़ी चलाने में, मैं होता तो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ता, अब देख तेरे सामने है, अब की बार बिल्कुल उड़ा देना, छोड़ना नहीं, मार 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 मार। ओए लगता है खत्म हो गया। भैया खत्म हो गया देखो, और मैं जल्दी से उतर गया उसका माल पानी लूटने के लिए, लेकिन भैया कहाँ है, कहाँ गया ज़ॉम्बी? भैया यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। ओए ऐसा कैसे हो सकता है, यहीं पर तो मारा उसको, अभी मारा रहा मुन्ना, मैंने भी देखा यार, तू झूठ नहीं बोल रहा है, मुझे पता है मुन्ना। ओए ये क्या कर रहा है, अपनी गाड़ी में ठुक के खुद ही मर गया यार। भैया ऐसे मरना भी पॉसिबल है, मुझे तो पता ही नहीं था भैया। और ओगी तू देख रहा है इस बार तो ये स्पॉन होने के बाद ऐसे उठ रहा है जैसे घिर के उठ रहा हो, वरना पिछली बार जब डाई हुआ था ना कार से मर के वहाँ समंदर के बीच में, तब इस तरह नहीं उठा था। भैया वो तो ठीक है, लेकिन भैया ए भैया देखिए हमारे जैसी एक और कार। ओए पुद्दू हमारे जैसी कार नहीं है, वो पुलिस की कार है, हमारी कार नीली थी और ये भी नीली है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कार है, ठीक है समझा कर। अच्छा तो इसके बारे में क्या बोलोगे भैया, ये देखिए हमारी कार यहाँ पे खड़ी है और ज़ॉम्बी निकल के भागा यहाँ से भैया। हाँ तो तूने उसको भागने क्यों दिया, चल कार लेके जा उसके पीछे और उसको उड़ा दे। वैसे भी हम लोगों ने दो ज़ॉम्बीज को तो मार ही दिया है, बस एक को और मारते ही मिशन पूरा हो जाएगा हम लोग का। लेकिन भैया हमने एक को मारा था, शायद वो तो मरा ही नहीं था। ओए मरा था मैंने देखा था मुन्ना। भैया वो देखिए दो ज़ॉम्बी, तुम्हारी ऐसी की तैसी धड़म। अरे वाह ये ज़ॉम्बी तो बड़ी खतरनाक तरीके से मरे, भैया आपने देखा क्या? ओए हाँ देखा, चल अब चलते हैं नेक्स्ट मिशन, देखते हैं अपना क्या मिलता है हम लोग को। यार ये पुलिस वाला कहाँ घुस रहा है, हट जाए यार। भैया देखिए वो खामा खामे वहाँ पे मारा गया, मैं उसको मारना नहीं चाहता था। ओए वो देख वहाँ पे ज़ॉम्बी क्या कर रहा है। ओए मुन्ना यार तूने उसको भी छोड़ दिया। ओए हम सॉरी भैया यार मैंने देखा नहीं। ओए क्या मतलब है देखा नहीं, चल अब जल्दी से कार ढूंढते हैं और अपने आखिरी ज़ॉम्बी को भी किल करते हैं। भैया चलो देखते हैं कार कहाँ पे है। भैया लगता है वो सामने से कार ही आ रही है। ओए लगता क्या है, वो तो अंधे को भी दिख जाएगी कि कार ही है। चल जल्दी से पकड़ ले उसको इससे पहले कि ज़ॉम्बी तुझे आके पकड़ ले, ठीक है मुन्ना? ओए रोक इसको, ओए रोक रोक रोक। ए भैया उसने तो खुद ही रोक लिया यार, इतना चिल्लाइए मत। ओए ओए ये क्या था, ओए ज़ॉम्बी के बच्चे तेरी ऐसी की तैसी, मुन्ना इसको मार। भैया मारूंगा लेकिन कार से, भूल गए क्या मिशन? ओए हाँ वैसे भी हमारे पास हमारा डंडा नहीं है। मुन्ना क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम समुंदर में से अपने डंडे और कार दोनों को निकाल के ले आए? वेल पता नहीं भैया, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, फिलहाल तो भैया हमें ज़ॉम्बी को किल करना है ना। वो देखिए भैया सामने बीच रोड पे खड़ा है, अब की बार तो भैया बिल्कुल भी नहीं चुकूंगा इसको ऐसी की तैसी। भैया देखिए हमने 150 मनी कमा लिए, लगता है भैया हमारा मिशन भी पूरा हो गया। ओए ऐसा है तो मुन्ना चेक कर जल्दी से मिशन पूरा हुआ कि नहीं हुआ। चेक क्या करना है भैया, अंग्रेज के पास चलते हैं ना। ओए तू यहाँ से चेक करना जब हम यहीं से कर सकते हैं, ये देख ओए कोई मिशन नहीं है, अब इसका मतलब हमारा ये वाला मिशन भी पूरा हो चुका है। चलो भैया अब मुझे अपनी कार खरीदनी है, भैया आपने बोला था हम कार खरीद सकते हैं। बताइए भैया कहाँ है कार खरीदने की दुकान, हम उसी दुकान में चलते हैं और फिर अपनी कार खरीदेंगे। अभी तो हमारे पास इतने सारे पैसे भी आ चुके हैं ना भैया। ओए हाँ खरीदेंगे खरीदेंगे। ऐसे क्यों बोल रहे हो भैया? ओए क्या कैसे, सही तो बोल रहा हूँ, खरीद लेंगे हम कार। तो बताइए ना भैया कहाँ पर है कार की दुकान, तभी तो खरीदेंगे ना। कार की दुकान भैया बताइए ना।
भाई कार की दुकान मुझे नहीं मिल रही है मुन्ना, मैं क्या करूँ, तेरे सामने तो ढूंढ रहा हूँ ना। अरे यार कोई बात नहीं भैया, ऐसे बोल देना चाहिए था ना पहले ही, अभी हम मिल के ढूंढ लेंगे कार की दुकान आखिर गई कहाँ है। अच्छा ऐसा है क्या, मैं तो सोच रहा था तू मुझ पे चिल्लाएगा। चल फिर मुन्ना। ओए मुन्ना तुझे याद है वो अंग्रेज, उसी के पास है कार की दुकान भी। तो ठीक है भैया, अभी यहाँ से चार रास्ते हैं, पता नहीं कौन से रास्ते पे को, इस वाले रास्ते पे को चलते हैं भैया। हाँ मुन्ना चलते हैं, लेकिन मुन्ना अगली बार ना जब हमें ये रास्ता मिल जाएगा तो हम इससे कोई निशानी जोड़ लेंगे ताकि हमें याद रह सके कि कौन सा रास्ता था। भैया आइडिया तो अच्छा है, लेकिन भैया इस बार किस तरह मिलेगा वो तो बताइए पहले। ओए पता होता तो बता नहीं देता क्या, कैसी बातें करता है। भैया आपने नोटिस किया क्या, यहाँ पर एक भी ज़ोंबी नहीं है। ओए किसने बोला तुझे, वो देख सामने ज़ोंबी है ना, उस बेचारे आदमी को खा रहे हैं। ओए मुन्ना वो देख बोरी दुकान, दुकान मिल गई। आ चलोगी, अब दिखाता हूँ तुझे कहाँ पर क्या क्या बिक रहा है। भैया एक मिनट, पहले मैं अंग्रेज से बात कर लूँ। ए टोपी वाले अंग्रेज, हमने मिशन पूरा कर दिया क्या, अब बताओ नेक्स्ट मिशन क्या है। देयर इज नो नेक्स्ट मिशन, यू जस्ट गो एंड स्लीप, टेक अ रेस्ट। ठीक है फिर चलता हूँ मैं। ओए चलता हूँ, कहाँ चलता हूँ। ओए ओगी क्या बात हुई है, कहाँ जा रहा है तू। ए भैया अंग्रेज बोल रहा है कि अब कोई मिशन नहीं है, जाकर चुपचाप सो जाओ। ओए सो जाओ भरी दोपहर में, ओए अभी तो दिन शुरू हुआ है, कैसे सो जाए, देख अभी चारों तरफ दिन ही दिन है। भैया मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे जो जोश ने बोला मैंने आपको बोल दिया। देखिए भैया वो खड़ा है वहाँ पर अंग्रेज, जो बोलना है आप जाकर उसको बताइए ना। ओए चल छोड़, होगी उसको क्या बोलना है, लगता है कम ही मिशन होंगे। चल कोई बात नहीं, होगी बाद में देखेंगे और मिशंस, अभी चलते हैं फिर। तो गाइस वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी ऑलवेज।